मुझे नहीं पता मैंने क्या गलती की है, बट मैं नहीं रह रही हूँ इस दुनिया में। ये मेरा आप लोगों से लास्ट ऑब्जेक्शन है, मेरा अगर कुछ भी होता है उसकी जिम्मेदार समर सिंह है। मेरे को अगर कुछ भी होता है उसका जिम्मेदार समर सिंह है बस। अभी अभी जो वीडियो आपने देखा, इस वीडियो ने आज 24 दिनों के बाद आकांक्षा दुबे सुसाइड केस में एक नया ट्विस्ट ला दिया है। 38 सेकंड के वायरल हो रहे इस वीडियो में आकांक्षा फूट फूट कर रोती हुई नजर आ रही हैं और कह रही हैं उन्हें नहीं मालूम कि उनकी गलती क्या है। ये उनकी अंतिम बातचीत है, उसके बाद उनके साथ जो कुछ भी होगा उसके लिए समर सिंह जिम्मेदार है। मैं नहीं रह रही हूँ इस दुनिया में। ये मेरा आप लोगों से लास्ट ऑब्जेक्शन है, मेरा अगर कुछ भी होता है उसकी जिम्मेदार समर सिंह है। वायरल हो रहे इस वीडियो के बारे में आकांक्षा की मां मधु दुबे ने कहा, ये वीडियो मैंने ही रिलीज किया है। समर सिंह हत्यारा है, ये उन लोगों के लिए जवाब है जो कहते हैं कि समर सिंह बेगुनाह है। नहीं, वो बोलते थे ना कि कोई प्रूफ है, जैसे जो हैं उनके समर सिंह के सपोर्ट में पल्लवी सिंह हैं, खुशबू गाजीपुरिया हैं, बहुत सी लड़की लोग हैं। वो बोलती है ना कि अरे समर सिंह बहुत अच्छे हैं, टॉर्चर नहीं करते थे आकांक्षा को, ये वो। तो वही मैं बोल रही हूँ, मेरी रानी को देख लो ये वीडियो, ये मैंने अपने मुंह से नहीं बनाया है, ना मैंने कोई तैयार किया, ये हमारी रानी का ये वीडियो था किसी के पास, माने वो शेयर करी थी जैसे किसी को, तो वो वीडियो में मुझे कोई दिया है मेरी रनिया को मदद में, ये उनका है। तो वही मैं बोल रही हूँ कि देख ले सब लड़की लोग जो बोल रही हैं, मैं अपनी लड़की के लड़ाई नहीं लड़ रही हूँ कि मैं अपनी लड़की, मैं सब लड़कियों के बारे में बोल रही हूँ कि जो हमारी रानी के बारे में उल्टा सीधा जो बोल रही हैं वो ना बोलें। आज हमारे रनिया के साथ में बहुत बड़ी साजिश रच के हमारी रानी को मारा गया। मैं यही कहूँगी कि भगवान न करे कि कल वो लोग के भी साथ ऐसा दिन आए। ये उनके बर्थडे का है, वो बर्थडे पे समर सिंह ने मारा था, यहाँ पर वाराणसी में ही बर्थडे था। ये फोटो मुझे सारनाथ चौकी में, जब मैं आई यहाँ पे मेरी रनिया का जब ये हुआ तो मुझे सारनाथ चौकी में ये भी फ़ोटो दिखाए थे कि यही फ़ोटो है, बोलते हाँ बहुत मारा हो रहा था। ये कंप्लेन भी शायद सारनाथ चौकी में किए हैं, तो शायद सारनाथ चौकी वाले ये इसका अभी कंप्लेन किए कि या भाई अपना कुछ करके दबा दिए। मुझे सारनाथ चौकी से ये फ़ोटो भी और मुझे पता भी चला कि मारे था। ये जो वीडियो आया है सामने उसको लेकर के पुलिस से कोई बातचीत हुई है? नहीं, मैं पुलिस को नहीं बातचीत कर रही हूँ, मेरे पास आया, मैं वीडियो वायरल करी हूँ अपनी बेटी का, देखे सब। पुलिस कस्टडी रिमांड में भी दी थी समर सिंह को, वही रिमांड में, वही समर सिंह बेगुनाह है, ये देखे बेगुनाह है, वो एक हत्यारा है, मेरी लड़की को उसने ही मरवाया है, उसने ही मरवाया। वैसे जो बोल रहा है कि मैं यहाँ पे नहीं था, वैसे मेरी लड़की तो यहाँ से मुंबई जब जाती थी मेरे पास, अब यहाँ पे रहती थी, अब मेरे पास जाती थी तब तीन तीन चार चार बजे रात तक फ़ोन करता था मेरी लड़की को, मेरी लड़की सो जाती थी अपना फ़ोन साइलेंट पे करके, तो मेरे पास फ़ोन करता था कि मम्मी कहाँ है, फ़ोन नहीं उठा रही, मैं बोली सो गई हैं, बोलता नहीं अपने जाओ उनके जगह के फ़ोन दो, बात कराओ मुझे। उस दिन हमारी लड़की लाइफ फ़ोन उनको करी दो बार, वो ऐसे कैसे नींद आ गई उसको, वो सरासर झूठ बोल रहा है। वो बनारस में ही था, वो मेरी लड़की को मारा है, मार के तब यहाँ से भागा है। अगर नहीं भी था, चलो नहीं भी था मानती हूँ, बोल रहा है गोरखपुर था मैं, नहीं भी था तब भी तू खबर जब लाइव देखा मेरी लड़की के, तू तो सबसे पहले तुझे भाग के आना चाहिए ना मेरी लड़की के पास, मेरे लड़की के पास इनको सबसे पहले भाग के आना चाहिए और मुझे फ़ोन करना चाहिए कि मम्मी ऐसा ऐसा बात हो गया, आप आ जाओ, मैं हूँ यहाँ पर। मुझे किसी ने नहीं फ़ोन दिया, और जब मैं फ़ोन लगा रही हूँ तो फ़ोन भी स्विच ऑफ बता रहा है इनका। आकांक्षा दुबे कहती हुई दिखाई दे रही है, हाँ छोटा है तो इसके जिम्मेदार समर सिंह, हाँ वो बोली है, वैसे तो नहीं मेरी लड़की का ये उन्होंने किया, वो देख ले,
वो नकिला नहीं। हाँ हाँ, मैं वही तो बार बार बोल रही हूँ, मेरी लड़की को तीन साल से मेरी लड़की को बहुत प्रताड़ित करता था, किसी दूसरे का फिल्म नहीं ना गाना करने देता था। मेरी लड़की जाती भी थी ना करने के लिए, तो वहाँ सब इंक्वायरी लेता था, और फिर मेरी लड़की को फ़ोन पे गाली गलौज देता था, फिर आने के बाद में मेरी लड़की को मारता पीटता था। तो मैंने अपनी लड़की को बोला कितनी बार कि बेटा तू कंप्लेन कर दो, जाके कंप्लेन कर दो। मेरी लड़की बोली कि मम्मी कंप्लेन करूँगी तो मेरा भी नाम का खराबी होगा, इसका तो पूरा लाइफ ख़राब हो जाएगा। हाँ, मेरी लड़की इसका लाइफ बनाते चली गई, और ये मेरी लड़की को ही खा गया मार के। ये आग पे जो लगी है, बट एक दिन मारा था मेरी लड़की, मुझे नहीं, ये फोटो मुझे नहीं पता था। जब मेरी लड़की जब गई बर्थडे के बाद में, 10-15 दिन के बाद में बर्थडे के बाद में, तो आँख ये पूरा ये काला, आँख तो सूजन नहीं था लेकिन ये पूरा काला कोयले के जैसा था, आँख में खून था। तो मैंने देखा, बोली बेटा ये कहाँ से, तो ये भी देखो छिपाई। बोलती मम्मी उसके घर में आग लग गई थी कूलर में, और घर जल रहा तो मैंने दीवार में डर गया था, तब भी छिपाई। जब इसने फिर बनारस से गई शूटिंग पे, वो मेकअप करने से ढकी थी आग, गई तो फिर मारा था, तो मुझे बताई, बोली मम्मी ये मुझे बहुत मारता है, और जो मेरे आँख पे तू देखी थी निशान, इसने ही मुझे मारा था, और ये मुझे बहुत मारता है। दूसरे का काम करने जाती हूँ, मैंने किसी के साथ में गाना ना करूँ, इसके एक तो नहीं तो मारता बहुत है मुझे। तो मैं बोली मैं आ रही हूँ बनारस, मैं कंप्लेन करूँगी तू। तो मेरी लड़की यही छिपाती गई कि मम्मी इसका करियर ख़राब हो जाएगा, अब तो तुमको ही खा गया, वो तुमको ही खा गया, इसमें बहुत बड़ी साजिश रची गई। ये दो गुनाहगार पकड़े गए ना, समर सिंह और संजय सिंह, अभी इसमें बहुत लोग हैं, अभी तो बहुत जन का अरेस्ट नहीं हुए हैं। जैसे संदीप सिंह हो गया, जो होटल छोड़ने आया है 20 मिनट में लड़की के रूम में रहा है, वो तो वही मारने वाला है अंदर भी ये है। और अरुण पांडे, श्रद्धा पांडे जो होटल लेके गए हैं मेरी लड़की को, और वो लोग बोले हैं कि अरे खाना खाई ड्रिंक पी, तो कहाँ गया खाना और ड्रिंक अरुण पांडे श्रद्धा पांडे। और होटल मैनेजर बोला है कि लड़खड़ाते हुए आई हैं दारू के नशे में, सीसी पोटेक चालू, उसमें कहाँ लड़खड़ाते हुए आई हैं। इसमें अभी अरुण पांडे, श्रद्धा पांडे, अनुराधा, होटल मैनेजर और संदीप सिंह, ये सब सारे पकड़े जाएंगे तो सारी गुलथी खुद आएगी कि कौन ये है। यही नहीं, एक और वीडियो में मधु दुबे कुछ लड़कियों का नाम लेते हुए उन पर समर सिंह को बचाने का आरोप लगा रही हैं। इस वीडियो में मधु दुबे उनको लताड़ लगाते हुए भी सुनी जा सकती हैं। तो सब बचाने में लगे हैं कि समर सिंह बेगुनाह है, तो ये वीडियो सुन ले जिसको सुनना है, और ये फोटो जो आँख पे लगा हुआ है मार, ये जो मेरी लड़की के आँख पे जो देख रहे हो आँख, कोई भी लड़की हो अगर शर्म हो तो थोड़ा सा आँख खोल के देख लेना, खास करके पल्लवी सिंह, और ये जो रोड छाप है ये खुशबू गाजीपुरिया, रोड पे नाचने वाली है गाजीपुरिया, ये देख ले आँख खोल के, जो मेरी लड़की के बारे में उल्टा सीधा बोल रही हैं ये देख ले। अगर लड़की जरा से भी शर्म हो तो एक लड़की का ये चेहरा देख ले और जरा सा शर्म महसूस कर ले, मेरी दुनिया के साथ में क्या समर्थन करता था। और ये खुद देखी है, ये खुद देखी है, साक्षात है ये खुशबू गाजीपुरिया। और ये जो YouTube चैनल है, YouTube चैनल जो पर्सनल गाना ये लोग समर सिंह और मेरी रानी का चैनल बनता है, पार्टनरशिप में ये चैनल है, पार्टनरशिप पे समर सिंह और मेरी लड़की का ये YouTube चैनल चलता है, तो ये लोग उसका रील बना के डालते हैं, यूट्यूबर हैं ये लोग, माने गाना बन। ये मेरी लड़की को बोली है खुशबू गाजीपुरिया कि वो मुनक्का खाती थी, बाबा खाती थी, इसको खिलाती थी, ये देखी है। आज तक कोई मेरी लड़की को नहीं बोला, कोई भी नहीं फिल्म इंडस्ट्री में या कोई उनके सब कोई, और ये इन्होंने देखा है, ये देखा है पल्लवी सिंह ने देखा है। हाँ, ये समर की सब ये हैं। हाँ, तो वही मैं बोल रही हूँ, आज मेरी लड़की के साथ में ऐसा किया है, कल भगवान न करे कि तुम लोग के साथ में ऐसा करेगा, वो करेगा मेरी लड़की के साथ में उसने ऐसा किया, तुमको देख के जरा सा ये नहीं हुआ दरिंदगी,
उसकी बचाने में लगी हो, वही मैं भगवान से बस खाली यही करती हूँ। तो वहीं वायरल हो रहे इस वीडियो के बाद आकांक्षा का केस लड़ रहे उनके वकील ने कहा कि पुलिस अब तक इस मामले को आत्महत्या मानकर जांच कर रही थी। अब पुलिस अगर धारा 302 में केस दर्ज कर जांच शुरू करे तो कई गहरे राज सामने आ जाएंगे। पुलिस 302 के दृष्टिकोण से विवेचना करेगी, 302 में इस मुकदमे को तरमीम करेगी तो बहुत सारे ऐसे लोग जो बहुत बड़े लेवल पे बैठे हुए हैं उसके सारे एविडेंस आकांक्षा दुबे की मां के पास है कि किस तरह से उसकी हत्या कराई गई, किन लोगों का इन्वॉल्वमेंट था इसमें, वो सामने आएगा। अनुराधा सामने आएंगी, ये जो अरुण पांडे और श्रद्धा पांडे उसको ले गए थे वो आएंगे, और होटल का जो कर्मचारी वो आप लोगों को वो मोबाइल दिखा के बता रहा था कि वो लाइव आई थी, वो सारी चीजें जब इन्वेस्टिगेशन में आएंगी तो आप देखिएगा बहुत बड़े लेवल पर खुलासा होगा कि किन लोगों ने यह हत्या की है। और मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं, आकांक्षा की मां के पास ऐसे सबूत है कि 302 में यदि विवेचना होती है तो इसमें बहुत बड़े लोगों का इन्वॉल्वमेंट आएगा। एक फोटो भी सामने आया जिसमें बिल्कुल बिल्कुल यही तो आकांक्षा की मां का आरोप है कि बता दें कि इस केस में मुख्य आरोपी समर सिंह को पुलिस पहले ही पकड़ चुकी है। उनके दोस्त संजय सिंह को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि दोनों की गिरफ्तारी आकांक्षा को सुसाइड के लिए उकसाने के आरोप में हुई है। अब देखना यह है कि वायरल हो रहे इस वीडियो के बाद पुलिस का अगला कदम क्या होगा। बस मैं नहीं रह रही हूं। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।